माताएं बहनों करवा चौथ की। तो आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को ऐसे वह कौन से 16 श्रृंगार में से 7 महत्वपूर्ण श्रृंगार होते हैं जिन्हें करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ वाले दिन। जो करवा चौथ वाले दिन जरूर ही कर लेना चाहिए, इससे उनके पति साल भर तरक्की करता है और बिजनेस में भी काफी मुनाफा होता है और उसका पति हमेशा खुशहाल रहता है। तो महिलाओं से निवेदन है कि आपको यह कार्य करवा चौथ वाले दिन करना है। और ऐसा कौन सा सिंगर है जो जरूरी करना होता है, तो आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। तो करवा चौथ पर हम यही भी जानेंगे कि वे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इससे उनके पति पर संकट आ जाता है। तो इन गलतियों से करवा चौथ वाले दिन हर एक महिला को बचाना चाहिए। तुम माता और बहनों, आप सभी दो को यह तो पता ही होगा कि दिवाली से ठीक पहले 12 दिन यानी कि 12 दिन पहले करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से हिंदू धर्म में का बड़ा ही महत्व माना गया है और इस त्योहार को महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी बड़े ही धूमधाम से मानती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा बार प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो लिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है करवा चौथ और करवा चौथ पर किसकी पूजा की जाती है और करवा चौथ पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा पति हमेशा तरक्की करें और हमेशा खुश रहे। अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तू माता और बहाने, आप जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में कुछ विशेष बातें। करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में कुछ बातें। करवा चौथ की कथा करवा नाम की एक स्त्री की कहानी है। करवा ने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे। यमराज ने करवा को वरदान दिया था कि इस दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा। जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए अभिजीत मुहूर्त को उत्तम माना जाता है। करवा चौथ के दिन पूजा के कई नियमों में से एक इसकी कथा का पाठ करना भी है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत की कथा का पाठ करती है उसे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत करने से जुड़ी एक और मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा था जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। करवा चौथ को करक चतुर्थी संस्कृत और अटल तद्दी तेलुगु जैसे नामों से भी जाना जाता है। चलिए अब माताएं बहनें यह जान लेते हैं कि करवा चौथ कब है और क्या रहेगा। 2024 का शुभ मुहूर्त जानते हैं। सभी जानकारी वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है।
कि हमारे चैनल नया एक टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह जानकारी हर एक हिंदू धर्म की महिला तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वह भी अपने व्रत को शुभ समय पर खोल सके। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि करवा चौथ 2024 में इस वर्ष साल 2024 में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:40 से होगा, जो अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वह 16 सिंगर में से कौन से सिंगर है जो हर एक सुहागन महिला को करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और करवा चौथ वाले दिन करना और ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जानेंगे बिंदी। बिंदी में शास्त्रों का बहुत ही महत्व माना गया है कि हर एक सुहागन महिला को बिंदी जरूर ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह श्रृंगारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि बिल्ली के हर एक सुहागन स्त्री का सुहाग का हिस्सा होता है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ वाले दिन लाल कलर की बिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। लाल कलर की बिंदी यदि हम करवा चौथ वाले दिन लगते हैं तो करवा माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वह दूसरी कौन सी चीज है। लाल चूड़ी। कहा जाता है कि लाल चूड़ी पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लाल चूड़ी को सुहाग की निशानियां में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हमें लाल कलर की चूड़ी हमेशा पहननी चाहिए और आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग हरी चूड़ी भी पहन सकते हैं। और माता और बहनों में आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं, आपकी जो शादी की चूड़ियां होती है, जैसे कि जो आप शादी वाले दिन पहनती हैं, कई महिला जो काले कलर की चूड़ी पहनी जाती है, जो लड़कियों को पहले ही बनाई दी जाती है शादी से और उसके बाद शादी होती है, तो आप उसे चूड़ी को हमेशा बचा के रखें। आप किसी भी, जैसे तीज त्योहार होता है, करवा चौथ होता है, हरितालिका होता है, आप ऐसे तीज त्योहार में उसे चूड़ी को पहन सकते हैं। उसे चूड़ी को पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो शादी वाली चूड़ियां होती है उन्हें किसी भी चीज त्योहार में हम पहनते हैं तो इससे हमारा पति जो होता है वह हमेशा खुश रहता है और हमेशा तरक्की करता है। ऐसा कहा जाता है कि आप शादी वाली चूड़ी जो होती है उसकी एक एक भी चूड़ी अगर किसी भी चीज त्योहार में पहन लेते हैं तो आपका वह कोई भी व्रत हो पूर्ण माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में कि चूड़ियां पहनना हर एक सुहागन स्त्री के लिए काफी ज्यादा शुभ माना गया है। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं तीसरी वह चीज कौन सी है। तीसरी वह चीज है सिंदूर। सिंदूर का तो आपको पता ही होगा कि हर एक सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर का कितना महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर को हमेशा बाल धोने के बाद, जब भी आप कंघी करें, उसके बाद हमेशा सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए और हमेशा सिंदूर को, जो सुखा वाला सिंदूर होता है, वही हर एक स्त्री को लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, महिलाएं फैशन के चक्कर में जो लिक्विड वाला सिंदूर आता है वह सिंदूर को भर लेती है क्योंकि इससे वह फैला नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और खासकर करवा चौथ वाले दिन तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो करवा चौथ वाले दिन आप हमेशा सुख सिंदूर का ही उपयोग करें, यह काफी ज्यादा शुभ माना गया है। तो इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं सिंदूर की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की जो सिंदूर होता है, आपको जो शादी वाला सिंदूर होता है उसे टाइम जो आपकी मांग भरती है, आप अगर फर्स्ट बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आप उसे सिंदूर का उपयोग जरूर करें। जिस सिंदूर से आपकी मांग भरी गई थी जब पहली बार आप सुहागिन बनी थी, आपके पति द्वारा आपकी मांग भरी गई थी, आप उसे सिंदूर से अगर आप करवा चौथ वाले दिन मांग भरती है तो आपका पति बहुत तरक्की करेगा और हमेशा आपकी जो लाइफ है वह खुशहाली रहेगी। तो आप यह जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब वह तीसरी के बाद चौथी चीज जान लेते हैं कौन सी है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। करवा चौथ वाले दिन लाल कलर का जोड़ा पहनना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो भी सुहागिन स्त्री होती है उसे हमेशा लाल कलर का ही चोला पहनना चाहिए। यह हमारे सुहाग के लिए सबसे ज्यादा अनमोल मान गया है।
ऐसा कहा जाता है कि जो आपका शादी का जोड़ा है उसे आप करवा चौथ वाले दिन पहन सकती हैं, या फिर मार्केट से लाल कलर का जोड़ा, लाल कलर का ब्लाउज और उसके साथ जो भी चूड़ियां वगैरह है वह लाल खरीद कर ला सकती है और उसे पहन सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शादी वाले लाल चौड़े को करवा चौथ वाले दिन पहनती हैं तो यह काफी ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में सुहागन स्त्री को लाल कलर का चौड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आप करवा चौथ वाले दिन लाल कलर का जोड़ा ही पहने। चलिए दोस्तों, तो आप जान लेते हैं पांचवी वह कौन सी चीज है जिसे करवा चौथ वाले दिन पहनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को करवा चौथ वाले दिन पहनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप 16 श्रृंगार भी ना करें और अगर आप मंगलसूत्र को पहनती है जो शादी वाले दिन आपके पति द्वारा पहनाया गया है, यानी कि मंगलसूत्र, मंगलसूत्र को पहनना करवा चौथ वाले दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कई महिलाएं होती हैं जो आर्टिफिशियल अन्य जो मार्केटिंग में चल रहे हैं, आर्टिफिशियल पेंडल वगैरह वह पहन लेती है। फैशन के दौरान तू महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत माना गया है। करवा चौथ वाले दिन आपको जो आपकी शादी का मंगल सूत्र है, जो आपके पति द्वारा पहनाया गया है, इस मंगल सूत्र को पहनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमारे शादी के सौंदर्य को दर्शाता है। इससे हमारी शादी की कई यादें जुड़ी रहती हैं। तो सभी महिलाओं को अपने मंगल सूत्र को शादी वाला जो होता है उसी को ही पहनना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं वह सातवीं कौन सी चीज है जो हर सुहागन महिला को जरूर कर लेना चाहिए। वह भी करवा चौथ से पहले ही हर एक सुहागन महिला अगर व्रत रख रही है तो उसे मृत से पहले मेहंदी जरूर लगा लेना है। करवा चौथ से पहले मेहंदी लगाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप करवा चौथ वाले दिन मेहंदी नहीं लगती हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप सभी माताएं और बहनें पहले मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लें, अपने हाथों को लाल कर लें। इससे पूजा के दौरान आपको जो भी पूजा अर्चना करनी होती है वह सफलतापूर्वक पूर्ण होगी, तो आप मेहंदी पहले ही लगा लें। चलिए माताएं और मैं, हम आपको मेहंदी के साथ आप एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं जो करवा चौथ वाले दिन करना बहुत ही जरूरी होता है। मावर, मावर आज का लेजर से जो होती है वह मावर नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मनवाड़ लगाने से हमारे वस्त्र है वह खराब हो जाते हैं, लेकिन मनवार को शास्त्रों में काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर सुहागिन महिला करवा चौथ वाले दिन महावर को लगाकर पूजा पाठ अर्चना करती है तो उसकी पूजा पाठ को चौथ माता बखूबी प्रसन्न होती है और उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। तो सुहागिन महिला को करवा चौथ वाले दिन महावर को जरूर लगाना चाहिए, इससे उसका पति हमेशा तरक्की करता है। महावर को भी 16 सिंगर में से एक सिंगर माना जाता है, तो हर एक स्त्री को महावर जरूर लगाना चाहिए और यह पूजा पाठ करने से पहले ही लगा लेना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और जो महावर होता है उसमें में आपको लाल कलर का ही महावर लगाना है। आजकल मार्केटिंग में बहुत कई प्रकार के महत चल रहे हैं, जैसे कि मेहंदी मनवार और भी कई प्रकार की महाभार चल रहे हैं, तो आपको उन सब में से सिर्फ लाल कलर का ही महावर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि करवा चौथ वाले दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बोलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ वाले दिन हर एक स्त्री को ऐसी गलतियों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां करने से आपके पति के ऊपर घोर संकट आ सकता है, पति पर विपत्ति आ सकती है। तो आपको इन सभी गलतियों से दूर ही रहना चाहिए। जय हो करवा माता, करवा चौथ। पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए और ऐसी गलती करने से घोर पाप लगता है, महिलाओं के पति पर संकट आ जाता है। तो आप सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि अगर आप नया योग टीवी चैनल की यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि करवा चौथ पर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें सफेद कलर के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में गलत माना गया है। किसी भी स्त्री को सफेद कलर के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। एकदम सफेद वस्त्र तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाता है पर एकदम सफेद नहीं पहनना चाहिए। दूसरी वह गलती जो है वह ये है कि करवा चौथ वाले दिन किसी भी सुहागन स्त्री को अपने पति से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से पति नाराज हो जाता है और आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में गलत कहा गया है। आप किसी से भी झगड़ा या फिर गाली गलौज करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे द्वारा बोले गए आप शब्द हमारे लिए और दूसरों के लिए काफी ज्यादा घातक होते हैं। अगर किसी को इससे दिल पर देश ठेस पहुंचती है तो ऐसा करने से आपका व्रत सफलतापूर्वक सफल नहीं माना जाएगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हर एक सुहागन स्त्री को अपने पति के साथ खुशी खुशी व्रत को मनाना चाहिए। तीसरी वह गलती है, वह है कोई भी सुहागन स्त्री है, उसको जो सुहाग का सामान होता है वह खुद ही खरीदना होता है। अगर आप किसी दूसरे से ले लेते हैं या फिर किसी के दान में दिया गया हुआ उसे में ले लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी गलती से बचना चाहिए। इसका काफी ध्यान रखना चाहिए कि वह सामान कैसा है, हमेशा नया और अपने पैसों से खरीदा गया सामान का ही पूजा पाठ या खुद की श्रृंगार में उसे करें। तो दोस्तों, माना जाता है कि व्रत में कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, पर हमको जो हमने इस वीडियो में आपको बताई गई इन गलतियों को आपको नहीं करना है और इन गलतियों से बचाना है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी गलती करने से हमारा व्रत सफल नहीं माना जाता, तो आपको और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहना चाहिए, जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहु अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद लें और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं क्या नहीं करें। करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्गी खाना चाहिए। व्रती करवा चौथ में देर तक न सोएं, साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। व्रत का दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती के स्मरण में व्यतीत करें। इस व्रत में सर्गी का विशेष महत्व है। देर तक सोने से सर्गी खाने का समय निकल सकता है। करवा चौथ में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ध्यान रहे कि इस दिन सुहाग की कोई वस्तु पहनते समय टूट जाए तो उसे कूट डहदान में न फेंके। इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से उधार लेकर मांग में सिंदूर न लगाएं, न ही अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को दें। करवा चौथ सुहाग का पर्व है। इस व्रत में सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन सफेद रंग की चीजों, दूध, दही, चावल, सफेद मिठाई, वस्त्र का दान करने की भूल न करें। किसी भी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रती को इस दिन किसी भी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई कढ़ाई, जिसमें कैंची का उपयोग होता है, वह गलती से भी न करें। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। करवा चौथ व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रती का पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में हो। इस दिन किसी को अपशब्द न कहें, विवाद से दूरी बनाएं, खासकर पति से वाद विवाद न करें। ये बात पति पर भी लागू होती है, ये महिलाएं ना रखें। व्रत जो महिला गर्भवती है उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर में काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में व्रत का रखना स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक माना जा सकता है। प्रेग्नेंसी के समय महिलाओं को भरपूर पोषण की जरूरत होती है, क्योंकि वह अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को अपने पेट में रखती है। ऐसे में व्रत रखना दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। जो स्त्री स्तनपान कराती है उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में निर्जला व्रत रखने से बच्चों को हानि पहुंच सकती है। इससे उनके सेहत पर भी गहरा असर देखने को मिल सकता है। जो महिलाएं शुगर पेशेंट है
उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे में शुगर लेवल अचानक से कम हो सकता है। बिना पानी के शुगर लेवल ऊपर और नीचे होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। जो महिलाएं किडनी की बीमारी से ग्रसित हों, उन्हें बिल्कुल भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के किडनी पर काफी गहरा असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैंसर पेशेंट को बिल्कुल भी निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें दवाइयां को नियमित तौर पर खाना पड़ता है। ऐसे में बिना पानी के दवाई खाना मुमकिन नहीं है, इसलिए यह व्रत ना करें। करवा चौथ के व्रत के दौरान यह उपाय को भी हर्ष उपागम को जरूर आजमाना चाहिए। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए सच्चे हृदय से महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ की लाभ उठा सके। और अभी तक आपने जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को हर सुहागन के पास भेजो, जिससे कि वह इस वीडियो से लाभ की लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं तुलसी की पत्तियों के उपाय। शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे से 11 पत्तियां तोड़कर आटे के डिब्बे में डाल दें। मान्यता है कि इससे अन्न की कमी नहीं होती है, साथ ही घर परिवार में बरकत होती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। बाद में इसे अपने पर्स या अलमारी में किसी जगह रख दें। ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ती है। विष्णु जी को अर्पित कर दें। बाद में इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भाग्योदय के लिए आटे के दीपक में घी डालें, फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय इसे प्रज्वलित करें। बाद में उस दीपक तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल सकती है आगे जा